अलीगढ़ में एक निजी अस्पताल में बब्बर नाम के परिजन और अन्य आपराधिक प्रवृत्ति व्यक्तियों ने ऐसा ड्रामा रचा जिसे देखकर लोग दंग रह गए। एक बब्बर नाम के मरीज के परिजन ने अस्पताल पर लगाए झूठे इल्जाम। एक दिन का बच्चा जिसकी घर पर ही मौत हो गई थी, उसे पैसे ऐंठने के चक्कर में एक निजी अस्पताल पर लेकर गए और वहां खड़े होकर जमकर हंगामा किया। इस मामले की सूचना इलाका पुलिस को दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस के सामने भी मरीज के परिजनों ने जमकर हंगामा किया, अपनी गलती मानते हुए माफी पत्र दिया और बोला कि अस्पताल को बदनाम करने के लिए पैसे ऐंठने के चक्कर में यह हंगामा किया गया था। वो पहले भी ऐसा कर चुके हैं और उन्होंने माफी पत्र भी लिखा। एक्चुअली यहाँ पर हुआ यह है भाई कि एक पेशेंट है, बब्बन नाम का एक आदमी है जिसका कोई बच्चा एक दिन का होगा, जिसने कहीं डिलीवरी कराई। डिलीवरी कराने के बाद उसके बच्चे को कुछ दिक्कत हुई तो यहाँ पे अस्पताल पे वो दिखा के गए थे, ठीक है। कुछ जांच वाँच भी हुई उसकी, तो बताया इस पे इन्फेक्शन वगैरह है, बहुत सारी चीज़ें। उनसे कहा एक्सरे करा लो, एक्सरे वगैरह भी नहीं कराया उन्होंने। फिर वो अपने घर पे ले गए बच्चा अपना। यहाँ से बच्चा जब यहाँ से लेके जा रहे थे तो सारा बच्चे की कंडीशन वगैरह दिखाई गई, उनकी शायद दादी बच्चे की या नानी कोई होंगी, उन्होंने देखा कि बच्चे का हाँ ठीक है बच्चा। हमारे हिसाब से वो अपनी मर्जी से बच्चे को यहाँ से लेकर चले गए। बच्चा घर पे जाने के बाद वो ख़त्म हो गया, उनके घर पे जाने के बाद ठीक रहा। दो चार घंटे बाद कोई दिक्कत हुई होगी जिसकी वजह से कोई बच्चे को प्रॉब्लम हुई, और फिर वो जब वो दोबारा यहाँ पर लेकर आए और बोले कि ये बच्चा जो है ये सांस नहीं ले रहा और इसको एडमिट करो और इसको ऐसा करो और इसे देखो, तो देख के बताया कि भाई बच्चे में अब कुछ नहीं है, आपके पास जब हमने दिया था तब तो ठीक कंडीशन में था, अब आप जब लेकर आए तो बच्चे के अंदर कोई चीज़ है नहीं, अब आप इसको ले जाएं। तो ले जाने के बजाय उन्होंने क्या किया, बहुत सारी भीड़ जमा कर ली, बहुत सारे ऐसे लोगों को आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों को बुला लिया जो यहाँ पर पैसे ऐंठने के लिए जो है तरह तरह के हंगामे करने लगे। फिर हमने पुलिस को बुलाया, कंप्लेन करी तो पुलिस वाले आए, उन्होंने सारा मैटर समझा। वो पुलिस वालों के सामने भी पहले उन्होंने झूठे इल्ज़ाम लगाने की कोशिश करी, झूठे वो कहानी बताने लगे कि हमसे बहुत पैसे ले लिए, हज़ारों रुपए ले लिए, इतने ले लिए, उतने ले लिए, जबकि उन्होंने हम यहाँ पे जो इलाज हुआ था बिल्कुल उनका नाम मात्र पैसे के साथ इलाज हुआ था। वो ये चाह रहे थे कि हम उनको खूब सारे पैसे दे दें, जो कि हमने देने से मना कर दिया, अस्पताल प्रशासन ने उनको देने से मना कर दिया। तो उन्होंने खूब हंगामा किया। हंगामे के बाद फिर उनको जब पुलिस ने डांट लगाई, फटकार लगाई, सारी चीज़ों को इन्वेस्टिगेट किया, तफ्तीश हुई पूरी प्रॉपर तरीके से, इन्वेस्टिगेशन में ये बात निकल के आई कि ये इल्ज़ाम इन्होंने झूठा लगाया। तो उसकी वजह से जब इल्ज़ाम झूठा लगाया गया था तो उस इल्ज़ाम झूठे इल्ज़ाम के एवज में वो लोग फिर माफ़ी मांगते हुए आए यहाँ पर और बोले कि हमें माफ़ कर दिया जाए और हम लिख के देने को तैयार हैं। और हमारा काम ही यही है कि हम जो है इस तरह से अस्पताल में जाते हैं और कभी भी हमारे परिवार में या कहीं पे भी कोई मर जाए या कोई भी बात हो जाए तो हम ले जाके बॉडी को वहाँ पे रख के थोड़ा सा ड्रामा करते हैं ताकि हमें पैसे ऐंठने का मौका मिल जाए। तो ये बात निकल के आएगी, उनके मंशा यही है कि वो पैसे ऐंठने की कोशिश करते हैं या फिर अस्पताल को बदनाम करने की कोशिश करते हैं जिससे उनका कुछ पैसों का बेनिफिट हो जाए, ये उनका टारगेट था, ये बात उनकी निकल के आई। तो वो जो है पैसे हमने उनको एक भी रुपये दिए नहीं।